कर रहे हैं, किस तरह की आपको स्थिति महसूस हो रही है और किस तरह का आदमियों का दर्द आपको लगता? दुर्भाग्य से हरियाणा का किसान, हरियाणा का मजदूर और हरियाणा का आड़ती आज बर्बादी की कगार पर खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी ने उनको लाकर खड़ा कर दिया है। न मनोहर लाल खट्टर जी को, न दुष्यंत चौटाला जी को, हरियाणा के आड़ती किसान और मजदूर का दर्द, उनकी पीड़ा, उनके खून के आंसू आज नजर नहीं आते। किसान, आड़ती और मजदूर मांग क्या रहा है? केवल अपना अधिकार ही तो मांग रहा है। किसान और आड़ती और मजदूर केवल ये कह रहा है कि एक सेट तंत्र है दशकों पुराना, उसके मुताबिक फसल की खरीद करिए। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, फिर आप इतनी हट धर्मिता, इतनी जिद क्यों लगाए हैं? सत्ता का अहंकार और नशा आपके सर पे इतना चढ़ गया कि आपको किसान, आड़ती और मजदूर की दुर्दशा आज नजर नहीं आती? क्या खट्टर सरकार की पूरी तरह से फेल होने का ये जीता जागता सबूत नहीं कि 90% मंडियां आज स्ट्राइक पर खड़ी है? क्या खट्टर सरकार की, दुष्यंत चौटाला जी की विफलता का ये सबूत नहीं कि किसान पंजीकरण के चक्कर के अंदर घुमाकर किसान की फसल की खरीद नहीं हो रही? क्या दुष्यंत चौटाला जी और खट्टर जी ये बताएंगे कि किसान लॉकडाउन में अपना पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसे करवाता? आपने तो 19 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया, अब तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकता। ऐसे में किसान फसल की बिक्री कैसे करे? और आज जब चारों तरफ का बॉर्डर सील है तो हरियाणा से बाहर की कणक तो है ही नहीं, गेहूं तो सारी हरियाणा की है, तो आप मौके पर मार्केट कमेटी और आड़ती के माध्यम से उसका रजिस्ट्रेशन करके कणक खरीदते क्यों नहीं? और एक सवाल ये भी है, वो 125 रुपया बोनस जो देना था दुष्यंत चौटाला जी ने और मनोहर लाल खट्टर जी ने, आज उस वादे का क्या हुआ? और इसके साथ साथ ये भी बताएं, आड़ती जो एटीएम है किसान का, चलता फिरता बैंक है, आधी रात को किसान को अगर पैसा चाहिए तो बगैर लिखित पढ़त के केवल आड़ती दे सकता है। हमारी जब फसल आती है हम अपना हिसाब सेटल कर लेते हैं। हर बार पैसा इसी प्रकार से आता था, आड़ती से मेरी पैसा लेने की जिम्मेवारी थी, उसके पास पैसा देर से भी जाता वो मेरा पैसा पहले दे दिया करता था किसान का। आज उस रिश्ते को, किसान मजदूर और आड़ती के रिश्ते को, एक षड्यंत्र के तहत दुष्यंत चौटाला जी और खट्टर साहब तोड़ने का षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं? इन बातों का जवाब हरियाणा की जनता को देना होगा। अगर आप फसल नहीं खरीद सकते, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, उनके सांसद, उनके विधायक, उनके मंत्री, उनके उप मुख्यमंत्री आज बिलों में दुबके क्यों बैठे? सामने आइए, आकर या तो किसान मजदूर आड़ती की समस्या का हल कीजिए, वरना जिस गद्दी पर जनता ने आपको बिठाया है वो गद्दी छोड़िए, दोबारा चुनावी समर में आइए ताकि जनता आपका न्याय कर सके। अगर सरकार नहीं मानती तो कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? ये संघर्ष केवल इस प्रकार से खत्म होने वाला नहीं। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी समझ लें कि वो अधिकारियों के माध्यम से गीदड़ भभकी दिलवाकर, अब पंचायतों और मास्टरों के माध्यम से गेहूं बिकवाकर गुजारा नहीं चल सकता। क्या मास्टर गेहूं खरीदेंगे, क्या डॉक्टर गेहूं खरीदेंगे, या आड़ती और किसान जो और मजदूर मिलकर गेहूं की बिकवाली करवाएंगे? इसलिए इस संघर्ष के लिए पूरा विपक्ष नहीं, हरियाणा का हर नागरिक तैयार है। और खट्टर सरकार को, दुष्यंत चौटाला जी को, किसान और आड़ती की इस बात को मानना पड़ेगा, नहीं तो ये संघर्ष और जोर पकड़ने वाला है। अब चर्चा ये भी है कि हरियाणा सरकार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जिस वजह से खरीद नहीं हो पा रही है। सच्चाई ये है कि मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और खट्टर सरकार की मंशा में ही षड्यंत्र है। 75,000 करोड़ रुपया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का बजट में खरीद का काट दिया, तो उनके पास पैसा नहीं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे आज 1,91,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, तो वो फसल खरीद का पैसा नहीं। खट्टर साहब वो पैसा देने को तैयार नहीं, इसलिए बहाने बनाकर आड़ती, किसान और मजदूर के गठजोड़ को तोड़ दो ताकि किसान की फसल औने पौने भाव के अंदर बिके और आड़ती भी खत्म हो जाए, किसान भी खत्म हो जाए, मजदूर की मजदूरी खत्म हो जाए। षड्यंत्र ये है, इसलिए हमारी ये मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जो 1952 से चली आ रही है,
उसके मुताबिक किसान का एक एक दाना खरीदा जाए। आज चंडीगढ़ में पीसी करके दुष्यंत जी ने बताया है कि हम खरीद तो कर रहे हैं, सभी मंडियों में हमारी खरीद चालू है जी। वो खरीद मुझे लगता है कि खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी के मन में हो रही है, क्योंकि नरवाणा, कलायत, कुचाणा, पिल्लूखेड़ा, जीन, उकलाणा, बरवाड़ा, टोहाना, इन मंडियों में मैं जा आया हूँ, इनमें से तो एक में भी खरीद नहीं हो रही। सच्चाई है कि 90% मंडियों के अंदर खरीद बंद पड़ी है, खरीद केवल उनके कागजों में चालू है। तो ये बताएं कि जमीन पर आकर खरीद कब करेंगे। दुष्यंत चौटाला जी अगर अपनी विधानसभा क्षेत्र की मंडी में ही आ जाते तो उन्हें सच्चाई पता चल जाती। थैंक यू।